गाइस वेलकम बैक टू रक्षा की रसोई। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पर अभी न्यू हैं तो नीचे दिया गया लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिया गया घंटी का निशान दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप घर बैठे हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको टोटी जो नल की टोटियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं पानी पड़ने की वजह से या लीकेज होने की वजह से, कई बार उनमें खार भी जम जाती है। तो आज मैं नल की टैप को साफ़ करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, एकदम ऐसे चमकने लगेंगी जैसे आपने अभी बिल्कुल नई की नई लगवाई हो। तो सबसे पहले तो आप ये टैप देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा गंदी है, इसमें कितने ज़्यादा पानी के निशान पड़े हुए हैं, बिल्कुल खार जैसी जमी हुई है। तो हो सकता है कि आपकी जो नल की टोटी हो वो और भी ज़्यादा गंदी हो, बहुत ज़्यादा उसमें खार जमा हो। तो सबसे पहले तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी मीठे सोडे की, यानी कि जो खाने वाला सोडा होता है ये मार्केट में इजली मिल जाता है। तो मीठा सोडा जो होता है ये जमी हुई सख्त से सख्त जो कड़ी गंदगी होती है जो बहुत तेज़ी से जम जाती है उसको निकाल देता है। और यहाँ पर अगली चीज़ हमें चाहिए होगी विनेगर। तो यहाँ पर हम एक चम्मच विनेगर लेंगे, तो इसको हम वाइट सिरका भी बोलते हैं। ये शाइन ला देता है और जमी हुई गंदगी को निकालने में भी मदद करता है। तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो आपको सिर्फ एक चम्मच सिरका ही डालना है। इसके बाद आपको डालना है यहाँ पर एक चम्मच नींबू का रस। नींबू के रस का भी जो काम होता है वो शाइनिंग लाना होता है। आपकी टैब में शाइनिंग ला देगी और जितनी भी गंदगी बहुत तेज़ी से जम गई है उसको जल्दी से जल्दी क्लीन कर देगी। तो आपको इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि जो आपने मिश्रण बनाया है इसको आपको पूरी टैप पर अच्छे से अप्लाई कर देना है सभी जगह। तो मैं हाथों की मदद से ही इसको अप्लाई कर देती हूँ। तो इस तरह से आप सभी जगह इसको अप्लाई कर दें जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि ये बहुत गंदी है। और कई बार तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा खार जमा हो जाती है पानी गिरने की वजह से। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको इस मिश्रण को ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर लगा करके उसको 15 से 20 मिनट के लिए आपको लगा छोड़ देना है। तो फिलहाल ये जो टैब मैं दिखा रही हूँ ये इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है कि इसमें बहुत पुरानी खार जमा हो गई हो, ये गंदी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं इसको हैंड टू हैंड ही साफ़ करने वाली हूँ। तो मैंने इसको सभी जगह अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करते ही करते ये अपना असर दिखा देंगी जिस हिसाब से ये गंदी है। तो अब आपको क्या करना है कि इसको आपको एक पॉलीथिन ले लेनी है। तो आप स्क्रबर से ना करें वरना स्क्रैच पड़ सकती हैं। तो आपको इस तरह से एक पॉलीथिन लेना है और पॉलीथिन की मदद से आपको अच्छे से इसको रगड़ना है टैप को। आप ज़ोर से इसको रगड़ दीजिए एक बार, तो जिससे भी ये मिश्रण है ये एकदम क्लीन कर देगा, शाइनिंग ला देगा। तो अभी रगड़ते ही रगड़ते इसमें इतनी शाइनिंग आ जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे भी पॉलिश करवाई हो। तो ये देखिए कितनी शाइनिंग आना शुरू हो गई है। तो इस तरह से आपको सभी जगह इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो मैं अभी आपको इसको पानी से धुल करके दिखाती हूँ कि ये जो नल की टैब है कितनी साफ़ हो गई हैं। ये देखिए, अगर आपकी बहुत ज़्यादा गंदगी हो तो आप 10-15 मिनट के लिए इसको लगा छोड़ दीजिए, सारी खार निकल जाएगी, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल भी। चलिए मैं आपको क्लीन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल शाइनिंग आ गई है, कितनी तेज़ी से ये चमकने लगी हैं जैसे अभी मार्केट से लेकर आए हों और नई लगवाई हों, एकदम ऐसे शाइन कर रही हैं। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें शाइनिंग आ गई है, इसकी पॉलिश बिल्कुल ज्यों की त्यों बरकरार है जैसे कि मार्केट से आई थी तब थी। तो ये काफ़ी पुरानी टैब हो चुकी हैं फिर भी बिल्कुल नए जैसी लग रही हैं देखने में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिएगा लाइक शेयर और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।